हेलो गाइस यार, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग केयर प्लस के बारे में, जो कि एक फ़ोन इंश्योरेंस है। और इस केयर प्लस में आपको चार कैटेगरीज मिल जाती हैं, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है एक्सटेंडेड वारंटी, सेकंड जो है वो है स्क्रीन प्रोटेक्शन, और थर्ड की बात करें तो आपका जो आता है वो आता है ADLD, जो कि एक एक्सीडेंटल डैमेज और लिक्विड डैमेज कवर करता है। फोर्थ जो आपका है वो है कॉम्प्रेंसिव प्रोटेक्शन, जो कि आपका कॉम्बो पैक होता है। सैमसंग का जो 1 साल का 1 ईयर का वारंटी होता है, उसके अलावा कोई कस्टमर चाहता है यार कि हमें 1 साल का और एडिशनल वारंटी चाहिए, तो उसमें आपका जो एक्सटेंडेड वारंटी, उसमें आपका 2 साल का वारंटी कवर करके कंपनी देती है। और जो कॉम्बो पैक है उसमें आपको ADLD प्लस एक्सटेंडेड वारंटी दोनों प्लान्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको दिया जाता है, जिससे कि आपको कोई भी अलग अलग प्लान आप लेना चाहो तो उसमें आपका एक ही वारंटी कवर होगी। मान लीजिए आपने स्क्रीन प्रोटेक्शन लिया तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन कवर करके देगा कंपनी, आपने एक्सटेंडेड वारंटी लिया तो आपको वारंटी कवर करके देगा 1 साल का एडिशनल, और आपने अगर ADLD लिया तो उसमें सिर्फ आपका ADLD कवर होगा, उसमें आपका जो वारंटी है वो कवर नहीं होगा। तो जो कॉम्बो है उसमें आपको दोनों एक साथ प्लान मिल जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सटेंडेड वारंटी आपको उसमें मिल जाता है, साथ ही आपको उसमें ADLD भी देखने को मिल जाता है। तो इन चारों कैटेगरीज के प्लान्स जो हैं, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। साथ ही अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे कस्टमर्स या व्यूवर्स होते हैं जिनके बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं सैमसंग केयर प्लस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो भाई, अगर मैं सैमसंग फाइनेंस प्लस से फ़ोन फाइनेंस करवाना चाहूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यार मैं केयर प्लस उसके साथ ना लूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने अपना जो स्मार्टफोन है वो ऑनलाइन परचेज़ किया है तो क्या मैं उसके लिए केयर प्लस ले सकता हूँ? थर्ड क्वेश्चन, यार मैंने जो फ़ोन है वो 1 से 2 हफ्ते पहले परचेज़ किया हुआ है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, इन चारों प्लान में से मैं कौन सा प्लान अपने फ़ोन के लिए ले सकता हूँ, या इनमें से कौन सा प्लान मेरे फ़ोन के लिए सबसे बेटर होगा? तो इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ इसमें हम आपको जो चार प्रकार के केयर प्लस है उन सभी का डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें चारों प्लान्स की, तो इन सभी प्लान के लिए आपको अलग अलग अमाउंट पे करना होता है। जो प्लान आपको परचेस करना होगा उसके लिए आपको अलग उसका अमाउंट जो है वो आपको पे करना होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने सैमसंग का A51 परचेस किया, जिसका भी मार्केट प्राइस 25,250 जो कि 6 GB है और 27,000 जो कि 8 GB में अवेलेबल है, उसका ये प्राइस है। तो सैमसंग A51 के लिए आपको कौन से प्लान में कितना अमाउंट पे करना है ये समझते हैं। तो सैमसंग A51 की अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 699 रुपये पे करना होता है, और A51 के लिए अगर आपको ADLD जो कि एक्सीडेंटल डैमेज और लिक्विड डैमेज है उसके लिए आपको वो वाला प्लान आपको परचेस करना है, तो उसके लिए आपको पे करना है 1,099 रुपये। और साथ ही अगर बात करें एक्सटेंडेड वारंटी की, तो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको 1,299 रुपये पे करना है, जिसमें आपको 1 साल का एडिशनल और वारंटी मिल जाता है। कॉम्बो की बात करें तो इसमें आपको 2,499 रुपये पे करना होता है, जिसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी प्लस ADLD जो कि एक्सीडेंटल डैमेज और लिक्विड डैमेज है, दोनों चीज़ आपको एक साथ कवर करके मिल जाती हैं। तो भाई ये प्लान तो बहुत सस्ते होते हैं कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। जैसे कि अगर आपने ADLD की बात करें तो आपने ADLD A51 के लिए सिर्फ 1,099 में ले लिया, अगर वही चीज़ आप कंपटीशन मिले तो आपको 2,390 रुपये पे करना होता है, जो कि 1,099 से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो बहुत फ़ायदा हो गया। तो अब मान लीजिए कुछ समय बाद आपका जो फ़ोन है वो गलती से डैमेज हो जाता है, तो क्या उस टाइम भी आपको पे करना होता है? तो उस टाइम अगर आपने कोई भी प्लान सैमसंग का लिया है, मान लीजिए आपने ADLD लिया है जिसमें कि आपने 1,099 ऑलरेडी पे कर दिया है, तो अगर वही फ़ोन आगे चल के आपका डैमेज हो जाता है तो उसके लिए आपको जो उसका वन टाइम डिटेक्टेबल अमाउंट होता है, तो A51 के लिए जो वन टाइम डिटेक्टेबल अमाउंट है वो आपका 599 रुपये है। मतलब आपने 1,099 रुपये आपने ADLD में पे किया और 599 रुपये ये हो गया, तो आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट पे करना है जिसमें कि आपका पूरा फ़ोन कवर हो जाता है। और ये जो ADLD अमाउंट है वो आपका डैमेज होने के बाद जो आपका फ़ोन है आप उसको रिपेयर कराना चाहें तो उसी टाइम आपको ये अमाउंट देना होता है। तो जब आप फ़ोन परचेस करते हैं उस टाइम सिर्फ आपको जो प्लान आप लेना चाहो, अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्शन प्लान लेना है, एक्सटेंडेड वारंटी लेना है, ADLD लेना है या कॉम्बो लेना है, तो जिस टाइम पे आपने परचेस किया उस टाइम पे जो भी आपने प्लान लिया है सिर्फ उतना ही अमाउंट आपको पे करना होता है,
इसके बाद अपने अगर आपका कोई फ़ोन टूट जाता है तो जो वन टाइम डिटेक्ट वाला अमाउंट है वो आपको टूटते टाइम देना है। तो उसके बाद जो आपका क्लेम है वो आपका क्लेम हो जाएगा। उसमें आपका जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको नहीं देना है। सैमसंग का भाई, सैमसंग का फाइनेंस है, सैमसंग का केयर प्लस है, सैमसंग के केयर है लोकल में, जहाँ पे भी आप फ़ोन परचेज़ करो तो बहुत सारे जो केयर हैं, सर्विस सेंटर हैं, हर जगह अवेलेबल हैं सैमसंग के। तो उसमें आपको जो थर्ड पार्टी है, कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका जो क्लेम है वो आसानी से आप इसको रिडीम करा सकते हो। तो आसानी से आपका जो फ़ोन है वो रिपेयर हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो फिर भी अगर आपको वीडियो में कोई केयर प्लस के बारे में कोई डाउट लगा हो, या कोई डाउट हो, या इसका जो क्लेम प्रोसेस है उसको आप पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका भी वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी कोई अगर आपको सैमसंग केयर प्लस के बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।